अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शोक अपना अपना। उम्मीद करता हूँ तुम्हारा भाई और दोस्त खैर खरीत से होंगे। दोस्तों ये देखें, ये कछुआ ने अपने नेस्टिंग मटेरियल की क्या हालत कर दी है। ये सारा इसने एक साइड पे कर दी है। और इसकी एक बैड न्यूज़ है, वो ये है कि ये देखें, ये इसका एक चिक एक्सपायर हो गया। ये वो वाला जो पहले निकला था, और दोस्तों उसने सही केयर नहीं की इसकी, क्योंकि ये इसको पहले दिन से ही मार रही थी, कल भी इसको मार रही थी। तो मुझे लग रहा है शायद इसको अपने नीचे कर रही है। और खैर अभी एक गुड न्यूज़ भी है, वो ये है कि हमारी जमजम ने लेइंग स्टार्ट कर दी है। और दोस्तों आज टेम्परेचर है 21 डिग्री, ये बाहर नज़र आ रहा होगा मौसम आपको, बारिश हो रही है हल्की हल्की अभी भी, और टेम्परेचर बहुत एकदम चेंज हो गया है, 40 तक गया था दोस्तों और आज 21 है। अभी 21 टेम्परेचर, और ये देखें आपके तकरीबन आधा का फ़र्क पड़ गया मौसम में, यानी कि कहाँ 40 और कहाँ 21। तो दोस्तों एकदम मौसम चेंज हो गया, जिसकी वजह से ये परिंदों के लिए, ये देखें ये बच्चों ने भी, ये इनके हालांकि बड़े बच्चे हैं, इन्होंने भी सर्दी मनाई हुई है। तो अभी इनको पानी शुक्र है कल मैंने निकाल लिया था, और इतना ही था पानी के, इन्होंने सुबह पी लिया अच्छे तरीके से, शाम में दोबारा थोड़ा सा पिलाया था वापस आके, फिर वो पानी निकाल लिया था मैंने इनका। और दोस्तों ये भी थोड़ी सी टेंशन बन गई है, बस अलग करें मौसम थोड़ा सा गर्म हो जाए दोबारा से, यानी कि 30 डिग्री के राउंड वो चला जाए, फिर मसला नहीं है। ये 40 से एकदम 21 पे आ गया, तो ये परिंदों के लिए बड़ा ख़तरनाक मौसम है, ख़ासतौर पर ये चिक्स वगैरह के लिए। और अभी ये कछुआ का एक ही बच्चा रह गया, और बस अल्लाह करे इसको पाल ले आज, क्योंकि मौसम चेंज है, सर्दी है, तो ये अंडा हम खुद खाएंगे, स्पेशली मैं खाऊंगा, बस मेरे ऑफिस जाने का टाइम है, थोड़ी देर में ऑफिस जाना है, और आज ये अंडा खाएंगे जमजम का। और इंशाल्लाह अभी जमजम को एक दो दिन में अपने हम शहनशाह के साथ छोड़ देंगे, ताकि अंडे फर्टाइल हों इसके। और दोस्तों ये देखेंगे इनके आगे ये नान पड़ा हुआ है, ये अजवा के आगे, सुल्तान के आगे, और थोड़ा सा जुमन में भी डाला था, लेकिन दोस्तों ये नान खाते नहीं हैं, नान ना डाला करें इनको, मेरी रिकमेंडेशन है, क्योंकि ये वो मैदे के बने होते हैं, और ये गीले करके डालने से मैंने सुना है कि इनके अंदर थोड़े से वो स्टमक के इशूज़ आ जाते हैं नान की वजह से। रोटी हो वो बेशक डालने से इतना मसला नहीं होता। खैर दोस्तों हर बंदे की अपनी अपनी मर्जी होती है, तो जिसको जो ठीक लगता है वो डाले। अच्छा, और दोस्तों इसके अलावा एक और चीज़ ये देखें, ये हमारी दादी बैठी है, मेरे ख्याल से ये कुड़कों की है। ये देखें दोस्तों इसका एक ही अंडा, एक और अंडा इसका ज़ाया हुआ हुआ है, ये इसके अंडे के नसीब नहीं हो रहे, पता नहीं क्या चक्कर है। और इसके पास खुराक बस थोड़ी सी रह गई है, इसको खुराक डालेंगे अभी। और तोतों के पास पानी ख़त्म हो गया, उनका पानी डालेंगे आज, सूरजमुखी भी डालेंगे, कल भी डाली थी, क्योंकि अभी मौसम चेंज हो गया है ना, अचानक से सर्दी हो गई है, तो सर्दी में वो वैसे भी गर्म होती है सूरजमुखी। ये दोस्तों मौसम देखें तो सूरजमुखी गर्म होती है, तो उस वजह से उसका नुकसान कोई नहीं होगा, इनको फ़ायदा होगा, बल्कि क्योंकि बच्चे भी पल रहे हैं, मुझे आवाज़ें आ रही थी, अभी ये नहीं पता एग्जैक्टली कि कौन सी वाली डोली में बच्चे पल रहे हैं। अगर मुझे नज़र आते हैं तो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों एक ये मेरी पुरानी वीडियो थी तोतों के बारे में, जिसका टाइटल है पैरट ब्रीडिंग एंड डेलमेशन पेयर, उसमें मैंने एक वीडियो अटैच की थी, वो जो सामने वाइट पिंजरा पड़ा हुआ है, जब ये वाला पिंजरा पड़ा होता था इधर, जो सामने आपको ये नज़र आ रहा है वॉल हैंगिंग, बिल्कुल इधर पड़ा होता था ये पिंजरा, और इसकी हाइट तकरीबन इतनी थी, और ये इसमें हर डोली में हर वक्त अंडे और बच्चे लाजमी होते थे, चाहे वो सर्दी का सीज़न हो, चाहे वो गर्मी का सीज़न हो, जो मर्ज़ी मौसम हो, बच्चे 24/7 मेरे पास होते ही होते थे। लेकिन जब से यहाँ शिफ्ट हुए हैं इनके बच्चों का रिज़ल्ट बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, तो क्योंकि दोस्तों ये जगह इनके लिए सूटेबल नहीं है, ये जगह इनके अकॉर्डिंग नहीं है, जो इन्वायरमेंट इनको चाहिए वैसे नहीं है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरे प्लान में है, मैं बहुत जल्दी नहीं तो नहीं, बहुत ज़्यादा लेट भी नहीं,
इंशाल्लाह इंशाल्लाह उस पिंजरे को वैसे ही रिस्टोर ज़रूर करूँगा जैसे ही वो पिंजरा पहले था, इंशाल्लाह वैसे ही पिंजरा उसको दोबारा भी बनाऊँगा मैं। पर दोस्तों ये हमारी तितली बैठी है जिसने अपने आप को ज़ख्मी किया था, देखें अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक रिकवर हो चुकी है ये, बस इसके ज़ख्म में भी भरने हो रहे हैं। पहले तो इसने बड़े जब ज़ख्मी हुई थी ऐसे फील हो रही थे बहुत शरीर ज़ख्म हो गए हैं इसको, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ज़ख्म साफ़ करके मैंने पायोडीन लगाई थी तो अभी ये रिकवरिंग फेज में चली गई है। उम्मीद है कि ये दो चार दिन में बिल्कुल रिकवर हो जाएगी। जी दोस्तों ये देखें अभी इनको पानी पिला दिया मैंने, और ये देखें अभी इन्होंने अपने पर किस तरह गिरा लिए हैं। ये इन्होंने बहुत ही ज़्यादा सर्दी मना ली है दोस्तों। ये देखें ये पानी ये पड़ा हुआ है, ये जुमन का भी पानी है और ये वाला जुमन का और ये वाला जमजम के बच्चों का। और ये हमारी तितली भी आई है बाजरा खाने, इसको भी थोड़ा सा बाजरा डाला है, पानी भी डाल दिया है। सुल्तान के पास भी दोस्तों ये बाजरा डाला है, पानी भी डाल दिया है। अजवा के पास भी पानी भी है और बाजरा भी डाल दिया है इसको। इनके पास पानी इस वजह से उठाया क्योंकि ये जुमन वाली हरकतें नहीं करते हैं कि पानी के बीच में वो पाँव मार के और इस तरह अपना सारा ख़राब करें। जैसे ये देखें दोस्तों ये इसी तरह पानी में ही पाँव डाल लेता होता है अभी, क्योंकि मौसम चेंज हो गया, 21 डिग्री टेम्परेचर है दोस्तों। तो 21 डिग्री टेम्परेचर में इस तरह पाँव डाल के रखेगा और फिर ये अपना सारा पीछे दड़बा भी गीला करेगा, गीले दड़बे में खड़ा रहेगा पूरा दिन। तो फिर उसके बाद अल्टीमेटली इसमें बीमार ही होना है, तो इस वजह से मैंने एहतियाती तौर पर इसका पानी उठा लिया, वरना अभी पिछले 2-3 दिन से पानी उठा नहीं रहा था। और दोस्तों ये देखें ये काले वाला बच्चा, ये देखें दोस्तों इसको कितनी सर्दी लगी हुई है, ये देखें सर्दी इन सबको ही लगी हुई है दोस्तों। सर्दी लगना बनता भी है क्योंकि एकदम 40 डिग्री से 21 डिग्री टेम्परेचर आया, तो सर्दी क्योंकि हो ही गई है तो इस वजह से सर्दी लग भी रही है। और दोस्तों वो हमारी अभी एक हमने एक सेटिंग करनी है, वो सेटिंग ये करनी है कि जमजम और इसके साथ बच्चों भी बच्चे भी इसके साथ ही मैं मूव करूं, लेकिन दूसरी ये है कि बच्चे इधर ही रहने दूँ इसके और जमजम को अकेले को मैं शिफ्ट कर दूं इस केज में हमारी रानी के साथ। रानी दोस्तों कुड़क हो चुकी है मुझे लग रहा है, और रानी के साथ छोड़ूंगा। अगर रानी के साथ उसकी एडजस्टमेंट हो जाती है तो वेल एंड गुड, नहीं होती तो दोस्तों फिर हमें रानी को कहीं और मूव करना पड़ेगा। जमजम को हमें अपने शंशा के साथ ही छोड़ना पड़ेगा, या तो फिर ये दूसरी सेटिंग ये हो सकती है कि हम जमजम को भी एक टाइम रख लें, जमजम को भी खोलें उस टाइम में और शंशा को भी खोल लें ताकि ये बाहर घूम फिर लें, और उसके बाद फिर जो एग जाएंगे होपफुली वो फर्टाइल होंगे, तो वो एग दोबारा उसी केज में ही जमजम के नीचे रख के उसको बिठा दिया जाए। तो अभी दोस्तों देखते हैं कि क्या बनता है, क्योंकि अभी मेरे पास जो पिंजरे हैं शॉर्ट हो गए हैं, क्योंकि अभी मैं कोई भी परिंदा आगे पीछे नहीं कर सकता। ये देखें दोस्तों ये अजवा है, तितली है, अजवा की सेटिंग है जंगली के साथ, जंगली इसको कुछ नहीं कहती, तितली की सेटिंग है जुगनी के साथ वो भी कुछ नहीं कहती, लेकिन ये है कि अभी ये दोनों खुद भी कुड़क हुई हैं, उधर छोड़ा तो ये 7 अंडों पर 2-2 मुर्गियाँ बैठना शुरू हो जाएंगी, तो ये अंडे जो है ख़राब कर देंगी। तो दोस्तों इस वजह से जो है अभी ज़रा जगह की सख्त तंगी हुई हुई है, और अभी ये जमजम का मसला बन रहा है कि क्या करूं, या तो फिर देखूंगा जमजम के बच्चे इधर ही रहें, जमजम को बाहर निकालूं मैं साथ चंचा को खोलूं, तो जब ये क्रॉसिंग वगैरह हो जाए और अंडे आए, अंडे इधर ही रखूं और बच्चे भी तब तक इधर ही पड़े रहें, और फिर दोस्तों ये पिंजरों का कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा मुझे कि ताकि पिंजरे किसी न किसी तरीके से एडजस्ट हो जाए। या तो दोस्तों ये सुल्तान को भी जंगली भी कुछ नहीं कहती और जुगनी भी कुछ नहीं कहती, या तो यहाँ से सुल्तान को मूव करेंगे और ये उन बच्चों को सुल्तान वाले केज में छोड़ेंगे और इधर जमजम को ही रहने देंगे, या वहाँ से रानी को उठा के इधर ले आएंगे और जमजम को इधर छोड़ देंगे। तो देखेंगे दोस्तों कि क्या सेटिंग बनती है, लेकिन ये सेटिंग बनाना लाजमी है क्योंकि इस सेटिंग के बगैर गुजारा नहीं है, जगह सख्त शॉर्ट हो चुकी है। अभी तो वो कस्बा का भी एक चिक आ गया, अभी मजीद चिक्स आएंगे तो उनको भी रखने का इशू होगा। खैर इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, कोई ना कोई इनका जुगाड़ निकाल लेंगे। और दोस्तों ये देखें ये हमारे तोते आ गए हैं पार्टी करने के लिए, इनको पानी भी डाल दिया, बाजरा भी डाल दिया,
बाजरा तकरीबन ख़त्म होने वाला था, आज कंगनी नहीं डाली, सिर्फ बाजरा डाला है और सूरजमुखी डाले हैं, इनको काफ़ी ज़्यादा डालने हैं इस दफ़ा, आज जितने रोज़ डालते हैं उससे थोड़े ज़्यादा ही डालने हैं। तो अभी बारिश का आज पूरा दिन का प्लान है, पूरा दिन बारिश होगी आज, बस अल्लाह करे टेम्परेचर मज़ीद डाउन ना हो कि परिंदों को ये डिस्टर्ब ना करे। मुझे बारिश वाला मौसम इसी वजह से बुरा लगता है दोस्तों, क्योंकि मेरे परिंदे इससे डिस्टर्ब होते हैं, स्पेशली अभी छत पे जाऊंगा तो कबूतरों का बुरा हाल होगा, और यहाँ पे बच्चे हैं, बच्चों के लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा है, यानी कि बच्चों को सर्दी लग रही है, बच्चों ने पर फेंके हुए हैं, तो ये देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा दोस्तों। ये देखें, ये जो ब्लैक वाला बच्चा और पीछे, खैर तीनों ने ये ठंड फील की हुई है, लेकिन ये है कि दोस्तों ये देख के अच्छा नहीं लगता। ऐसे जैसे मुझे ये बारिश हो रही है मौसम अच्छा नहीं लगता, हवा शवा लगे मौसम थोड़ा सा चेंज हो बादल वाला बने तो वो अच्छा लगता है, लेकिन जब बारिश हो जाए मौसम इस तरह तब्दीली आ जाए टेम्परेचर में तो दोस्तों वो बड़ा अजीब लगता है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इधर तो बारिश भी नहीं आती लेकिन फिर भी चिक्स के लिए और मुर्गों को खोला भी नहीं जा सकता इस मौसम में, क्योंकि बाहर निकलेंगे मिट्टी में फिर जाके, वो मिट्टी भी नहीं, खैर अभी तो लॉन सारा गीला नहीं देंगे दोस्तों। तो यहाँ पे ये क्या खेलेंगे या अपने आप को क्या ये एंजॉय करेंगे इसमें, तो उस वजह से अभी खोल भी नहीं रहा इनको, क्योंकि बारिश का प्लान है पूरा, और गाड़ी बाहर निकालनी पड़ेगी, गाड़ी फिर बाहर गाड़ी भी ख़राब होगी। तो दोस्तों खैर बात, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बारिश बस मुझे इस वजह से नीचे लगती, क्योंकि बर्ड्स मेरे इन्जॉय नहीं कर पाते इस मौसम में, अगर टेम्परेचर बहुत ही हाई रहे और बारिश हो जाए तो फिर शायद परिंदों को मैं खोल लूँ और फिर बारिश में खेलें शायद इंजॉय करें, लेकिन एटलीस्ट 21 डिग्री टेम्परेचर में तो बिल्कुल इंजॉय नहीं करेंगे मुझे पता। दोस्तों ये देखें, ये मैंने अभी फ़िलहाल के लिए ये बोरी पड़ी हुई थी उधर ऊपर, वो बोरी खोल के इधर लगा दी है ताकि एटलीस्ट यहाँ से जो है डायरेक्ट हवा वगैरह ना आए, और अगर इनको ज़्यादा ठंड वगैरह लगे तो ये इधर अपने आप को थोड़ा बहुत कवर कर लेंगी इंशाल्लाह। और दोस्तों अभी एक और न्यूज़ ये है कि अभी जमजम अपने बच्चों को मारने लग गई है, यानी कि इसके बच्चे बड़े हो गए हैं, अब ये बच्चों का क्या किया है छुट्टी करो, और ये अभी बच्चों को, मैंने जो सोचा दोस्तों कि बच्चों को इधर ऊपर दरमियान वाले सेक्शन में रखेंगे और सुल्तान को अजवा के साथ छोड़ देंगे उधर, क्योंकि दोस्तों ये सुल्तान और अजवा की आपस में बन जाती है, इतना मसला नहीं है कोई। और दूसरी बात ये है कि अजवा के नीचे कोई अंडे भी नहीं पड़े हुए, अगर वहाँ पे सुल्तान ने उसको कुछ कहा या ज़्यादा तंग किया तो अगर वो उसके वहाँ पे थोड़ी बहुत भागे दौड़ेगी वहाँ पे, तो वहाँ पे कोई अंडे टूटने का डर नहीं है या इस तरह का कोई ख़तरा नहीं है वहाँ पर। दोस्तों ये मैंने इनको बाजरा भी डाल दिया, पानी भी डाल दिया। दोस्तों आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आप लोगों को पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हैं, बाकी अपना और अपने परिंदों का बहुत सा ख्याल रखें, इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।